हेलो एवरीवन, आई एम आयरिस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। मैं हूँ अभी नलचर डीएसए में अगरतला में, और आज हम सब एक और ट्रिप करने वाले हैं, और हम जा रहे हैं आज डम्बूर जो कि लेक है ना यहाँ पे, जो एक लेक है, यहाँ से करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं, सब कलीग्स हैं मेरे, तो हम सब ये बस में जाने वाले हैं आज। पूरी बस भर के जाएगी आज, पूरा माहौल रहेगा, मस्त मस्ती होने वाली है। और ये है मेरे दोस्त प्रशांत, तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को ये डम्बूर लेक के बारे में थोड़ा। मुझे भी एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है। हाँ, डम्बूर लेक यहाँ पे त्रिपुरा पे बहुत ही मतलब जाने माने और बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, नाम तो काफी सुना है। एक्चुअली डम्बूर में क्या है, अपनी त्रिपुरा में ये फर्स्ट टाइम हाइड्रो पावर प्लांट हुआ था, जो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट ये चालू किया था, अभी भी है उधर चालू है। मस्ताना तो रहेगा। हमारे चकमा जी पान का अरेंजमेंट कर रहे हैं डम्बूर में, पान खिलाएंगे हमको। मस्ताना पान का दुकान खोलूंगा उधर जाके। हमारे लिए तो फ्री रहेगा ना, किसी के लिए फ्री नहीं है। शॉपिंग हो गई हमारी, क्या क्या लिया आप लोगों ने? टोमेटो। चलो बहुत बढ़िया, हम विश्रामगंज मार्केट है ये, तो यहाँ पे हम शॉपिंग करने रुके थे, तो पोर्क लिया और चकमा जी ने पान लिया है यहाँ से। चकमा दादा क्या है ये? कौन सा ये जो ले रहे हो? कैसा होता है सत्यजीत? ये खट्टा जैसा होता है, मैंने तो कभी खाया नहीं, ऐसे ही खा सकते हैं? ऐसे धोके लवण नमक के साथ। अच्छा, इतना खट्टा होता है क्या? एकदम आंवले जैसा होता है क्या? खीरा तो नहीं, नहीं वो ये हमारे उधर नहीं मिलता, ये वो भी है। ये है ड्राई फिश, जो अभी आपने देखा ना वो था ड्राई फिश, यहाँ पे बहुत चलती है वो। शुटकी तो यहाँ का स्टेपल फूड है, यहाँ पे डेली खाते हैं शुटकी। नौ बज गए हैं और हम अब ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। 7:30 कितने 7 बजे निकले थे ना? 7:01 निकले थे। 2 घंटे की ट्रैवलिंग हो चुकी है, अमरपुर क्रॉस हो चुका है, अभी जाके ब्रेकफास्ट होगा, अब ब्रेकफास्ट करेंगे। कितना दूर है यहाँ से? और लगभग 1.5-2 घंटे लगेगा। 1.5-2 घंटे का रास्ता भी और बचा है, 35 किलोमीटर बाकी है। रास्ता खराब है ना, रास्ता तो शॉर्ट है लेकिन डिस्टेंस। हाँ, यहाँ कचड़ा नहीं फैलाएं, हमारे कैंटीन के साथ ही हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये है मुनय, ये है दिलीप। दिलीप चाय एक्सपर्ट है, मुनय पराठा एक्सपर्ट है। कितना खुश हो,
काफी बढ़िया एरिया है, नेचर मस्त है। यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे चाटनी चा दारा। हाँ संजय अर्जुन रोटी चा दारा। संजय को खिलाओ यार अच्छे से, डांस करेगा संजय। हाँ खाएगा तब तो डांस करेगा अच्छे से। डिम था दियो, बस 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 सब्जी सब्जी। सुजीत मजा आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। सो निखिल आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप इन त्रिपुरा। यस माय फर्स्ट ट्रिप इन त्रिपुरा एंड दैट टू टू डंबूर लेक। यस वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स इन त्रिपुरा। कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया बाबा। अच्छा खाना तो बढ़िया है, लेकिन ऐसे जगह में खाने का एक और अलग मजा है। क्या मतलब ऐसे जगह में सिंपल खाना भी बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लग, सही बात। ये ब्रेकफास्ट के बाद देखो ये लोग क्या खाते, तंबू। क्या तंबू? तंबुल तंबुल तंबुल, बांग्ला में पान को तंबुल बोलते हैं। बांग्ला में नहीं, खसी है। अच्छा खासी। ये मतलब तंबुल मतलब बांग्ला में भी है, ऐसा नहीं है तंबुल होता। ब्रेकफास्ट शेष हो गया छे, এখন আমি পান খাবো। यस এখন আমি পান খাবো, তারপরে আমি প্রস্থান করব। इसको हम लोग पान बोलते हैं, आसाम में इसको तांबुल बोलते हैं, मेघालय में भी इसको तांबुल ही बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, पान खा के अब हम निकल रहे हैं आगे डबू। हम डंबूर पहुंच चुके हैं, अभी समय हो रहा है 10:15 हो रहे हैं, और ये पावर प्लांट का एरिया है। यहाँ पे रिजर्वायर है और ये है पावर प्लांट, यहाँ से पानी आ रहा है, और ये है नीचे पावर प्लांट, यहाँ नीचे टर्बाइन्स है। हमको परमिशन मिल गई है अंदर पावर प्लांट के घूमने की, लेकिन मनोज देवर नहीं है यहाँ का मेंटेनेंस इंजीनियर। अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये जो पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो है 8 मेगावाट, लेकिन अभी यहाँ पे 2 टरबाइन जो है वो ख़राब है, अभी एक ही टरबाइन चल रही है, तो अभी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मेगावाट। ये जो टरबाइन घूम रहा है वो टरबाइन से क्या होता है, थोड़ा अल्टरनेटर को घूम रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। अच्छा ये पानी जो हमने पावर प्लांट देखा था अभी वहीं जा रहा है। क्या लेके आ रहे हो भाई पानी? ओ चावल। चावल लेके आ रहे हैं। ये है प्रसन्न जी, ये हमारी बोट रेडी हो रही है।
और हमारे राजकिशोर दादा ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये है डंबूर लेक, क्या अमेजिंग व्यू है, अल्टीमेट एकदम। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है यार। तो हम अपने प्राइवेट आइलैंड पे पहुंच गए और ये जो हमारे चकमा भाई है उनके भाई का है ये आइलैंड, हाँ कजिन ब्रदर है उनका आइलैंड है ये। कोरोना के लिए उसका 2 साल रुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट होना है, ट्री हाउस वगैरह, वो हो नहीं पाया अभी कोविड के कारण। तो हमें परमिशन मिली है यहाँ पे आके एंजॉय करने की, वो भी फ्री में। थैंक्स टू चकमा दा, उन्होंने अरेंज किया, वो भी फ्री में। और ये है हमारे निखिल मनराल, बहुत ही फेमस मनराल साहब के बेटे, आप जानते हैं बीएसएफ के जाने माने ऑफिसर हैं मनराल साहब, उनके बेटे हैं ये निखिल मनराल। करीब 1 घंटा लग गया दादा अपने को यहाँ पहुँचने में, 11:30 स्टार्ट किया तो 12:30 हो गया। आज भाई जबरदस्त बनाना एकदम, क्या भाई बढ़िया बनाना है एकदम, खाना डेली जैसा बनाता है वैसा मत बना। अच्छा, ये डंबूर लेक का कुछ हिस्ट्री है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। जब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना था तो चकमा और रियांग ट्राइब को डिस्प्लेस किया गया था यहाँ पे, तो ये हमारे चकमा जी हैं, ये भी उसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो और क्या है इस बारे में, सीना सर को भी थोड़ा बहुत पता है, जो भी है मेरे को पता है, जो भी एक्चुअली ये जगह जो है ये दोनों नदी है, राजमा शर्मा दोनों नदी का जो है ये संयोग स्थल है, जिसका हम संगम बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ से गोमती नदी स्टार्ट हुआ। एक्चुअली कहावत यह है जो गोमती नदी जो है, गोमती जो है ये हमारा त्रिपुरा का जो महाराजा था उनका मिसेस का बड़ा दीदी का नाम है, तो बड़ा दीदी का नाम का होने से ये महाराजा जी जो है उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट करता था, और कभी भी ये गोमती नदी ने इन्होंने पाँव नहीं रखा, क्योंकि पानी के ऊपर पाँव नहीं रखे। तो आप त्रिपुरा आएंगे तो यहाँ पे जरूर आइएगा, और यहाँ पे आना है तो ये चकमा जी है, इनका नंबर मैं दे दूंगा, इनका ट्री हाउस है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं आराम से, बढ़िया एंजॉय कीजिए। इधर नहीं है, इधर से यहाँ पे भी बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे भी प्लान है, चकमा जी का ट्री हाउस बनाएंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे घूमिए, बहुत ही बढ़िया जगह है, शांत सुकून मिलेगा आपको। मैं आप लोग को मिलाता हूँ राजकिशोर जी से, ये है राजकिशोर देव वर्मा। तो दादा जो हैं त्रिपुरा से ही बिलोंग करते हैं, दादा को काफ़ी नॉलेज है त्रिपुरा की हिस्ट्री और कल्चर वगैरह के बारे में। दादा अपने ट्राइब के बारे में कुछ बता दो कि मतलब त्रिपुरा में 19 ट्राइब्स है। ओके। और उसके साथ साथ बंगालीज है, नॉन बंगालीज है, बहुत सारा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक ऐसे एक स्टेट है, बोला जाए तो एक मिनी इंडिया, इट इज विदिन इंडिया बट इट्स अ मिनी इंडिया। यहाँ पे सब तरह के, हाँ काफी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। टोटल 19 ट्राइब, जैसे देवबर्मा, नोआतिया, हाँ देवबर्मा, नोआतिया और इसमें जमातिया, रियांग, हलाम, कुकीज, काफी ट्राइब, चकमास, बहुत सारा है यहाँ पे। ओके।
काफ़ी डाइवर्स कल्चर है त्रिपुरा में, बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो आइए ज़रूर इधर पे और एक्सप्लोर कीजिए। अच्छा भाई, ये यूपी वाले कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, पाइन वुड से यहाँ पे कॉटेजेस बन रहे हैं। एक हाथ से, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ पाइन वुड। देखो ये इतना बड़ा है प्लैंक, लेकिन काफी हल्का है दादा जैसे बता रहे हैं। देखो एक हाथ से, एक हाथ से, वाह वाह वाह। भाई तो साबुन वाबुन भी लेके आए। अरे बाला टूट गया, क्या पानी क्या निखिल खड़ा है, क्या गहरा नहीं है ज्यादा? यहाँ पे जाने से गहरा है, इधर खड़ा हो सकता है क्या? थैंक यू चकमा दादा, आप हम लोग के लिए बोट लेके आए यहाँ तक। क्या बोला चकमा दादा, आप ट्रांसलेट कर दो। जू जू मतलब वेलकम वेलकम, आप लोग का ये जो दुम्बर है ना, सबको स्वागतम। चकमा लैग में जाइए। इधर नहीं उतरना ना। और हमारा खाना रेडी हो गया, लगाओ भाई खाना, भूख लग रहा है सबको। शाम के 4:45 हो रहे हैं और हम अब पैकअप कर रहे हैं, वापस निकलेंगे ये प्राइवेट एजेंसी यहाँ से। तो सब सामान धीरे धीरे हम रख रहे हैं बोट पे। काफ़ी बढ़िया ट्रिप रही यहाँ पे, बहुत ही मस्त जगह है,
और ये प्राइवेट आइलैंड के लिए थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू मिल्टन चकमा, यस उन्होंने हमें, कजिन ब्रदर, इनका कजिन ब्रदर जिन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ पे आके एंजॉय करने की। लिसन गाइस, आप लोगों ने जो भी देखा, जितना भी देखा, इसमें हमारा आयरिश हंडा जो चैनल है और प्रोपरेटर जिसका है आयरिश हंडा, हंडा साहब बहुत मेहनत किया हुआ है, हम जस्ट एंजॉय किया है, इन्होंने बहुत मेहनत किया। प्लीज आप लोग है ना लाइक कर दो, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, किसी से अकाउंट से कुछ नहीं जाता है, किसी का पैसा नहीं करते, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, हो सके तो शेयर भी कर दो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो हम अब वापस निकल रहे हैं अपने डीएसए के लिए और बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।